हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने स्टेट पीजीटी टीजीटी का मैं ग्रुप बनाया है जिसमें आपको जो भी मटेरियल्स हैं टीजीटी पीजीटी स्टेट का इंग्लिश मटेरियल वो ग्रुप में हम शेयर करते रहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप ग्रुप में नहीं होंगे तो आप कमेंट करके बताएंगे या बोलेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, देखिए सबसे पहले इंडियन ड्रामा को हम पूरे एमसीक्यू दिए थे, उसके बाद जो भी है टोटल मैं देता रहता हूँ। और ये जो है हम लोग डिस्कस करते हैं यूट्यूब में, तो इन सारे जो है द रोवर बाय ऑप्रा वेहन, तो इन सारे डॉक्टर फोस्टर्स यानी आपको सभी आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको देख सकते हैं यहाँ, फिर यहाँ आगे देखिए, आपको पूरे देखेंगे तो पूरे हम जब से शुरू किए हैं तब से आपको पूरी एक्सप्लेनेशन भी करवा रहे हैं, साथ साथ आपका एमसीक्यू लाइन बाय लाइन होता है और इसमें आपका कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है कि आप बिल्कुल जो है तैयारी अच्छा से कर पाएंगे। और आपको पूरे जो है आपको देते रहते हैं, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि ड्रामा लिटरेरी टर्म्स कुछ आते हैं, जो आपको एक क्वेश्चन आएंगे तो आपको बिल्कुल, देखिए पीजीटी हो या टीजीटी हो ये समुन्दर है, समझ जाइए, कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये सिलेबस का अगर हम देख सकें कि सिलेबस को हम सिर्फ सिलेबस ही कवर कर ले तो बहुत मुश्किल है। इसलिए आप लोग जो भी चाहते हैं कि हम पीजीटी टीजीटी अच्छे से तैयारी करें और जो है टीआरई में फोर्थ में जो है हम बैठ पाए और अच्छा नौकरी ले पाए, तो इसलिए आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जुड़िए और साथ में तैयारी कीजिए, ताकि आपको यहां से हेल्प बहुत कुछ मिलता है और मिल ही रहा, मैं भेज रहा हूं बार बार। जैसे यहां पीजे तेंदुलकर है, ठीक है, इसमें आपको बायोग्राफी है इनके, देखिए जो इम्पोर्टेंट राइटर है, ये ड्रामा या आपका नोवेल है जैसे वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बाय R.N. टाइगर, तो ऐसे हैं जिसको आपको हम पूरे डिटेल बता रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं जुड़े, बहुत कोई जो है ना ले लेते हैं वो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करवा पाते हैं। मैं हर दिन आपको दे रहा हूँ, हर दिन, जैसा कि आपको देखने आज मैंने कितना दिन भेजे हैं, देखिए आज मैं दिखाने चाहते हैं, देखिए आज आपका रहा, देखिए आप डेट भी देख सकते हैं, तो देखिए प्रो टेस्टामेंट का एमसीक्यू 70 दिए हैं, एक नहीं 70, 8, 10, 20 को बात नहीं करी। देखिए रेगुलेशन है, रेगुलेशन और क्रो दोनों मिला के 90 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। और यहाँ उसके बाद देखिए इसका जो है आपको टेक्स्ट भी भेज दिया गया ग्रुप में। उसके बाद देखिए दोनों जो भी हम करते हैं उनको टेक्स्ट भेज देते हैं, ताकि टेक्स्ट को आप पढ़िए, और नहीं पढ़ते हैं तो उनको देखिए और आपको आंसर अपने आप आएगा। देखिए यहाँ भी 21 पेज का है आपको दिया गया है, यहाँ जैसा देखने को मिलता है द प्रोलॉग यहाँ है, देखिए द प्रोलॉग जो है एन ब्रेड, ठीक है, ब्रेड स्ट्रीट का है, 90 क्वेश्चन दिए हैं, 80 क्वेश्चन दिए हुए हैं, समझ सकते हैं कि हम कितने दे रहे हैं। इसका आपको पहले टेक्स्ट दे दिए थे, आपको यहाँ पहले ये टेक्स्ट है, अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो आपको टेक्स्ट है, देखिए आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये टेक्स्ट है, जो भी टेक्स्ट है उसको टेक्स्ट को जानिए तभी आप कुछ ये होता है, ठीक है। तो ऐसा ही है, चलिए वीडियो अच्छा लगा, देखिए द लास्ट लीफ ओ हेनरी का लिखा हुआ, ठीक है, जो भी शॉर्ट स्टोरी है, पोयम है, जो भी है, सारे कुछ डिस्कस करते हैं, उसके बाद वीडियो बना देते हैं, ताकि बिलॉव्ड का है बाय टोनी मॉरिसन का है जो अमेरिकन राइटर है। तो इस तरीके से देखिए इसको आपको हम भेज दिए थे पहले ही कि ये टेक्स्ट है, मेन टेक्स्ट का पढ़िए, उसके बाद हम एमसीक्यू बना के दे देते हैं, उसके बाद देखिए ये सब है, ठीक है। फिर मिलते हैं, हम डिस्कस करेंगे, आप जितने सारे टॉपिक हैं सारे टॉपिक को कवर कर देंगे, और देखिए ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं।